बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम। परवरदिगार दी रहमत बरकतां और निमतां दे नाल अज दी वीडियो दा आगाज़ करने आ जी। सब तो पहला अहले इस्लाम नूं सुबह रबीउल अव्वल दा पहली तरीक मुबारक होवे जी। अज रात नूं चन्न इंशाअल्लाह नजर आ जाएगा, और क्योंकि कल रोयते हलाल कमेटी आले ने ऐलान कीता सी कि चन्न नजर नहीं आया, और अज तो फिर यकीनन चन्न नजर आ जाएगा इंशाअल्लाह। और सोमवार यकम रबीउल अव्वल होगा, और 29 सितंबर 2023 बरोज जुमातुल मुबारक 12 रबीउल अव्वल दा दिन होएगा जी। अच्छा, हुण डेट थोड़ी जी तब्दील हो गई है, क्योंकि मिलाद शरीफ मेरा सी पहले 12 रबीउल अव्वल नूं, लेकिन हुण होएगा 11 रबीउल अव्वल नूं। उहदी रीजन यह रही है कि मैं 28 सितंबर की डेट जिहड़ी है ना, वह सारे नाल फिक्स कीती सी, जिहड़े मेरे नाथ खान हैं, जिहड़े मेरे खतीब आने ने, तो उन्हां वास्ते हुण डेट जिहड़ी है ना जी, वह 28 सितंबर ही रहेगी। और चन्न की डेट जिहड़ी है ना, वह थोड़ी बहुत तब्दील होगी। इस वजह तो मैं हाले तिकर फ्लैक्स कोई नहीं सी छपवाई, और कोई हाले तिकर बैनर नहीं सी बनवाया, क्योंकि मैं सोच रहा सी कि जदो यकम रबीउल अव्वल होएगा तो फिर जड़ा ना मैं बैनर और बाकी चीजा जड़िया ना वो मैं फ्लैक्स वगैरह या बाकी जितने भी पोस्टा ने वो मैं लावांगा। उस तो पहले मैं पोस्ट कोई नहीं लानी। अलहमदुल्ला जी, 11 रबीउल अव्वल बरोज जुमेरात और 28 सितंबर 2023 नू रात इशा तो बाद मिलाद शरीफ की जड़ी है ना जी, वह बकायदा महफिल का आगाज हो जाएगा। और अलहमदुल्ला बाकी सारे इंतजाम जड़े ना वो साढ़े कल तू या परसों तू शुरू हो जाएंगे। और इस तो इलावा बाकी साढ़े जड़े मेहमान होने ने उन्होंने भी हूँ दावत जी है ना जी, मैं कल तू देनी स्टार्ट करांगा, क्योंकि हाले तिकर बाकी जड़े बिरादरी के लोग आते हैं उन्होंने दावत देनी आ, बाकी जड़े दोस्त हैं उन्होंने दावत देनी आ, जड़े साढ़े यूट्यूबर फैमिलीज हैं जिन्होंने मैं इनवाइट करना है उन्होंने दावत देनी आ। तो इस वजह तू ना ये 7-8 दिन पहले 10 दिन पहले जड़ा ना इनवाइट करांगे, ताकि वह अपने कामकार जड़े ना उन्होंने फाइनलाइज करके तो वह इंशाअल्लाह आके महफिल सुनेंगे और शमूलियत इख्तियार करेंगे। अगर तुसी हिस्सा पाना चाहते हो तो मैं पिछले काफ़ी दिनों तू एक कंपेन जी है ना जी लॉन्च की हुई सी कि महफिल पाक जी है ना जी वो डोनेशन ते करवाई जा रही है, तो सारे ने हिस्सा पाना वे, मेरे टाउन ओनर जड़ा है वह भी हिस्सा पा रहा है, कम्यूनिटी के जड़े साडे लोग ने इसे दिन चार घर बैठे ने वह भी हिस्सा पा रहे हैं, मैं अपना हिस्सा भी पा रहा वा। और इस तरह बाकी जितने भी लोग हैं जिन्हें नाल मेरा रबता है, जिन्हें नाल मेरा कम्यूनीकेशन हो रही है, और उस तो इलावा बाकी साढ़े जड़े वेखन वाले ने इनडायरैक्ट जिन्हें नाल रबता है, डायरैक्ट रबता कोई नहीं है, वह भी इस चीज़ जड़ा ना जी अपना अपना हिस्सा मिला रहे हैं। तीन ट्रांजैक्शन जड़िया ना जी आ चुकी हुई ने, जिद एक भी फिर भी फिर 35 की टोटल 75,000 रुपया जड़ा ना जी वो मेरे को आ चुके हुआ है अलहमदुल्ला। हाँ जी बेगम साहब, मैं डेयरी कड़ के लेके आई हूं। हां जी, तुसा हर रोज हां जी एक नात लिख के दी पंजाबी पंजाबी ठीक हो गया। हां, क्योंकि मेरी शौक है, मैं जी पढ़ी तो हां नहीं, फिलहाल अल्लाह पाक ने इतना दिता है शौर और इतना ज़हन दिता है, एक लिख के मैं देवना, एक बार मैं अखवा देवे, जैसे बच्चे ने सबक नहीं देवी, एक बार सारी नात अखवा देवे तो बाद फिर मैं खुद पढ़ लेनी है, हर रोज एक नात में देख के ठीक हो गया। हाँ जी, तो हम जो काम है ना जी वह है कि एक तो बिलाल की कटिंग करवानी है, और इनू कुछ स्कूल दी मतलब है ना चीजा चो एक चीज चाहिए है जिन्हों असी गत्ता आने, दूसरा की कहने क्लिप बोर्ड वो भी जरा जी लेना है, और उसके अलावा इनकी कटिंग करवानी है, मैं भी अपनी कटिंग करवानी है, ताकि उन्हें कटिंग करवावगा ना तो 7-8 दिन बाद बाल जड़े ना वो सैट रहेंगे, ताज़ा ताज़ा कटिंग हुई होगी ना तो एक बार बंदा थोड़ा जहाँ अजीब जहा लगन लग पैंता है, इस वजह तू मम्मी कटिंग जी ना करवा लाँगा, बिलाल भी कटिंग करवा लेगा, और उस तो बाद फिर बाकी के मामूल के काम जड़े ना वो करेंगे। सब्जी भी लैके आनी, वो भी बेगू ने पूछने कि सब्जी अज की पकानी है। अच्छा, तो हम सब्जी की लैके आनी मैनू भी दस। आलू पहने थे, गोभी गोगलू गाजर जो चीज अच्छी लगे ले जेडी शलब ले आवा। हां ठीक हो गया। अगर जे पालक का सकते हैं फिर खुद पकानी। चलो मैं देखना ना पालक अगर खानी है तो पालक। चलो ठीक हो गया। और कोई जल्दी भी आ जाना। और कोई हुक्म? बस कोई हुक्म नहीं। अल्लाह दस्बुर अल्लाह दस्बुर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहुंच गया राजा साहब कोल जी। गुलामा इनू कहंदे ने जी, वैसे सीधा ना ते गुलाम अली है, माशाल्लाह अली दा गुलाम है, कोई गुलाम में मोहम्मद होंदे ने मोहम्मद दा गुलाम बस नाम है ना, ये गुलाम अली और अली दा गुलाम, तो वैसे इनू साडे पंजाबी फिर तुहानू पता लै जाए इस तरह का, तो असं फिर गुलामा गुलामा करके सदने आ, तो सारे या तकरीबन जितने भी इतने अन्ना मार्केट वाले सारे यही सदते हैं, इहदा नाम ते मेरे कोल कोई भी सदा होएगा या फिर मां सदी होनी है, मेरा गुलाम अली जी है आ जा रहा है। गुलाम अली भाई कितने कोल आए हैं जी? फिर बिलाल की कटिंग करवाने हैं। अच्छा सर, कटिंग मैं भी करवानी है, किन्ना टाइम लगेगा? क्योंकि असं जाके फिर आंडी रोटी भी करनी, सब्जी मैं लैके जाऊंगा, अगर ज्यादा टाइम लगना तो फिर मैं कल करवा लेता। नहीं जनाब, अगर बच्चे की करता है ये भी थोड़ा जा माहौल भी अच्छा बनाना होता, क्योंकि अपनी फिर फोटो जानी होगी पूरी दुनिया को, मेरा मुँह मत्था अच्छा ना हो तो फिर भी गल नहीं बनती, इस वजह तो थोड़ा जहा टाइम लाना पैदा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कल आ जा सब मुंडे की कर, ठीक हो गया। चलो जी
ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਬੂਫਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਲੂਟੂਥ ਆਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਾਚ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਬੀ ਲੋਬਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਦੋਂ 10 ਰਬੀ ਉਲਵਲ ਔਰ 12 ਰਬੀ ਉਲਵਲ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਕਰ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी बिलाल दी कटिंग जड़ी है ना जी अलहमदुलिल्लाह हो चुकी हुई है। हाँ भी कका बेटे हैं, अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे भी अच्छी लगी। नहीं नहीं आप शीशे में देखो ना भाई, ठीक लग रही है। ओके फिर डन करो, ठीक है। अलहमदुलिल्लाह कटिंग हो चुकी हुई है और मेरा हूँ टाइम कोई नहीं कटिंग करवाण का, क्योंकि फिर ना शाम हो जानी है इत्थे ही, ते हुण जा रहे हैं वापस घर, सब्जी लेनी है और उसके अलावा इहदा एक गत्ता जिहा लेना वा, उसके अलावा टेंट सर्विस वाले नूं मिलना है, लैटिंग वाले नूं मिलना है, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਬਜਾਨ, ਫਿਟ ਵਾਟ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਸੋ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਟ ਲਾਣਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਲਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? बंगले तो मंगाना पेगा, इतने जो होंगे पिछले साल हूं कोई नहीं है, बोके चर कोई लाइटिंग वाला कोई नहीं है। अच्छा तो अगर अपनी लाइटिंग करते हैं अपना एरिया जो आप गेट है उतो लैके घर तक आप लैके आने जो लगते हैं रोड के आसे पास सकते हैं, मतलब वो जी लाइटा लाने वो वाली, तो उसके अलावा अंदर तीन चार लाइटा पंडाल के अंदर लगनगिया, एक लगेगी अपने घर के उत्ते जो रोड में रोशन करेगी, तो बाकी वो दूसरिया घूम घूम जी होती है घर के अंदर लाइनिया ने, ये इन्नी लाइटिंग का उन्होंने गल कर लेनी, तो मैं थोड़े को किसी टाइम भी आके पूछ लिया सी की मंगते हैं फिर आप, तो आप फिर मैनेज जोड़ा है रेट शेट बाद तय करेंगे, तुम मेरे को विजिट किस टाइम कर दौ, सुबह ही आओगे उन्होंने नाल लैके आ जाना, उन्होंने रब्ता हूँ कर लो उन्होंने सुबह या राजा 10 मिनट के काम में दोगे, ठीक है सर। मैं फिर अपनी 28 सितंबर 11 रबी उल बाद नमाजे किया, ठीक हो गया? हाँ जी बड़ी मेहरबानी सर। ए हाँ जी अमीन टेंट सर्विस वाले साढ़े जबोका थे और उन्होंने गलबात हो गई हुई है और वो सुबह करेंगे विजिट और उस तो बाद दसनगे कि साडा जड़ा ना कि खर्चा बनता है, और उस तो बाद लाइटिंग वाले भी आएंगे उन्होंने भी जड़ा ना वो नाल लैके आएंगे, वो भी दसनगे कि कितना खर्चा बनता है, फिर दोवां दा मिला के जिन्ना बनेगा ना वो इंशाल्लाह मैं वीडियो च भी दसांगा और फिर मैनू भी पता लग जाएगा जी। तो हुण असीं पहुंच गए हां इहदा गत्ता लैण वास्ते, की उहनूं यार मैनूं तां नाम भुल जांदा, क्लिप बोर्ड जिहनूं इक दिओ जी। अस्सलाम वालेकुम, की हाल ने? सलाम लै लो। क्लिप बोर्ड इक मुंडे नूं दिया जे यार, इहदे इम्तिहान शुरू होंदे पए ने, पेपर शुरू हो रहे ने, हुण पसंद कर लै मैं, ठीक है? ओ गुड़िया शुड़िया वाला नहीं लेना तू, मुंडे वाला लेना वा, ठीक है ना? प्लास्टिक दा नहीं, मुकम्मल 28 तीकर है ना आखिरी पेपर तेरा, अज की तारीख है 16-17, 8-10 दिन भी नहीं चलेगा तेरे को, चल जाएगा ना? तो बस फिर अगले सीजन नवा ले लेंगे जो तेरे पक्के पेपर शुरू हो गए, ठीक है? ओके हो गया, डन है, चलो ठीक हो गया। तो बाकी पेंसिल शेंसल कोई मार्कर वगैरह कुछ नहीं? ओके सब कुछ, थोड़ी बहुत लेनी है, अद्धी के मार्कर दे यार सानू, हाँ अद्धी मार्कर सानू दे, डक्के ले लेनी, चलो सही हो गया। किन्ने पैसे हो गए भेजा? 70 रुपए जी सर। इधर वाले काम तो सारे हो गए ने जी, हुण जा रहे हैं सब्जी वाले को, सब्जी लेने तो अच्छी की, अगर पालक लई ना तो टाइम शायद थोड़ा है, पालक पकाने बाद तुहानू पता पहले उन्हें बॉयल करना पैंदा है, उस तो बाद उन्हें पकाना पैंदा, अगर कोई होर सब्जी हुई अच्छी तो फिर वो लवेंगे, नहीं तो फिर पालक मजबूरन लेनी पेगी, क्योंकि पालक से अज दिल करता पे मेरा भी, बस टाइम नूं मद्देनजर रखते हुए पालक का फैसला करांगे जी। अलहमदुल्ला सब्जी लैके वापस घर आ चुके हुए जी, और बेगम साहबा बाहर की सफाई कर दी पई है, और तुम दस्या ने कि सफाइया साड़िया जी हम शुरू हो गई, हम असी बाहर भी गंद नहीं पैन देना, बाहर भी ताज़ा सफाई रखनी है ताकि इन्नी ज़्यादा जी है ना यकदम ना करनी पै जाए, और अंदर की घर की भी सफाई जी है ना वो डेली बेस से हूँ ना अच्छी तो अच्छी मतलब होती रहेगी। सारिया चीज़ा जी कवर करा जी पे सिवाय इटा तो, बाकी इतने कोई चीज़ जी है ना
वो नज़र नहीं आ रही होएगी। सारिया चीज़ा इतों जी ना गैब कर देनिया ने जड़िया बैठक के तो नज़र आदियां पियां ने। अलहमदुल्ला सब कुछ खत्म हो जाएगा और इधरों बारू भी सफाई जी ना अच्छे तरीके करा और सारे रोड की सफाई वो अच्छे तरीके हो जाएगी। सब्जी मैं लाया चल के ना इन साफ सुफ करने और बेगम साहब ने आखिया कि अगर तुम पालक लो तो फिर तुम आप ही पकानी है तो हूँ इनू जाके पकाने कोई रॉकेट साइंस नहीं है पालक पकाना तो ये जाके पकाने तो तुम हूँ की करना और अच्छा चलो ठीक है जी। और सनसेट चेक करो जी अज माशाल्लाह कल मैं नहीं विखा सकिया लेकिन अज तुहानू विखा रहा वा किन्ना प्यारा मंजर है जी चेक करो माशाल्लाह। हाँ जी अलहमदुल्ला पालक जी ना मैं साफ कर ली हुई है लेकिन हाले इन मैं कटे को नहीं और मरचा भी जी कट के रख दी ने धनिया जड़ा नाल मेरा इतने पिया होया। अच्छा इनू पालक नू ना इसे तरह ही धो लैने और धो के ना अच्छे तरीके साफ करके और उस तो बाद थोड़ा थोड़ा कटेंगे क्योंकि इसनों बॉयल करके ना उस तो बाद ग्रैंड करना है। कटन तो पहला इनू धोवे भी अच्छे तरीके धुल जाएगी अगर कटन तो बाद धोवीए ना तो ये रेता नहीं निकलता कटन तो पहले धोवे ना तो अच्छे तरीके रेता जी ना वो बिल्कुल साफ सुथरी होकर निकल जाएगी। इनू ना थोड़ा थोड़ा करके दोवे हाथों नाल ना अच्छे तरीके चार चार पांच पांच पापे करके इनू धोना वा। अलहमदुल्ला जी पालक अच्छे तरीके धो लीए जी साफ हो गई बिल्कुल ए मोटा मोटा कट दें और पानी पा के ना इनू रख दें उत्ते उबायल होंगी रहेगी और उस तो बाद असी प्याज आलू और बाकी मतलब सारा मसाला जरा वो कट ला के जरा असी अलग तो बोनी लानी है बोनी ला के फिर असी जी ना पालक ग्रैंड करके तो ये पा देनी है। अलहमदुल्ला जी पालक मैं उत्ते रख दी है नाल कुछ सावी मिर्चा कुछ अदरक का टुकड़ा भी नाल रख दिता है कुछ लसन के टुकड़े भी जड़े ना वो भी रख दते हैं इन्होंने जड़े ना जी बॉयल कर लें और नाल ही असी जड़े ना आलू कट लें और बाकी मसाले जड़े ना वो भी बना लें। लेट बहुत हो जानी है साढ़े हांडी रोटी ऐ ला जड़ा ना जी हो गया इन थोड़ा जहा थले नप देने ताकि थोड़ा जहा थले बह जाए और हर चीज जी है ना यदी बैल होने लग पवे। अलहमदुल्ला जी मसाला मेरा जरा जी तैयार हो गया और आलू पा दें हाँ जी पालक मेरी जी जो बॉयल हो चुकी हुई है इनू जरा ग्रैंड करके नाल ही नाल कढ़ाई में जरा ट्रांसफर की जावे और आलू मेरे जरा जी तकरीबन पक चुके हुए हैं मतलब पकन की मुराद है कि कुछ रोस्ट जरा हो गए हुए हैं तो इन्हों का असं यही जायका लेना कि आलू जरा रोस्ट रोस्ट सू जरा जायका दे करना की है कि इनू जरा ये पा के ग्रैंड करना और नाल इधर पलटना पानी जड़ा ना जी असी थोड़ा जहा बचाना है क्योंकि पानी असी सारा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर
अलहमदुलिल्लाह जी पालक मेरी जी हो गई है और जो ये हलवे तरह सैडा तो इन्हें कढ़ाई में छड़ दिता हो बिल्कुल समझ लो पक गई है। ये तो जरा चूल्हा बंद कर दें जी। ਡੱਕਣ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਵੀ ਖਾ ਨਾ ਸਾਲਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਐਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਦਾ ਸੱਚੀ ਸਹੀ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਐਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਕ ਐਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਲਣ ਬਣਿਆ। ओके हो गया। हाँ जी। चलो जी थोड़े को लेने इजाजत। सुबह इंशाल्लाह अच्छी जी प्यारी जी यूनिक जी और मिठी जी वीडियो दोबारा मिलेंगे। सदर सैन तुम्हारी पूरी फैमिली तो इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना है। पंडा बन बन प्यार। अल्लाह हाफिज़।